गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। वंस अगेन वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 3। अब हम हमारा नया चैप्टर 3 लेट्स सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। लेट्स डू सब्ट्रैक्शन 7 बट्स सॉरी क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट द सब्ट्रैक्शन फैक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट्स दिए हैं और इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 7 बर्ड्स सिट ऑन ए वॉल, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं 7 बर्ड्स कहाँ पर बैठी हुई है, वॉल पर। 3 बर्ड्स फ्लाई अवे, उसमें से 3 बर्ड्स उड़ गई। अब हमें बताना है वॉल पर कितनी बर्ड्स बची, तो आप काउंट करिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितना आया 4। इसी तरह 8 फ्लावर्स ऑन द प्लांट, आपको यहाँ पर दिख रहा है प्लांट में कितने फ्लावर्स हैं 8। 5 फेल डाउन, 5 उसमें से क्या हो गए, गिर गए। अब हमें बताना है कितने बचे 1 2 3। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे राइट हियर 8। कितने यहाँ से फेल डाउन हुए 5, और कितने यहाँ पर बचे हुए हैं 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। इसी तरह से इसको फिर से रिपीट करेंगे 8 - 5 = 3। थर्ड है 9 फ्रॉक्स सीट ऑन ए स्टोन, एक पत्थर पर 9 फ्रॉक्स बैठे हुए हैं। 4 जंप इनटू वाटर, 4 ने उनमें से क्या किया, जंप कर ली कहाँ पर, पानी में। अब कितने बचे हैं हमें वो बताना है। सो राइट हियर 9, 4 and 5। 9 - 4 = 5। नेक्स्ट पेज नंबर 47 पर है सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। द नंबर लाइन कैन बी यूज टू सब्ट्रैक्ट फॉर नंबर्स। फॉर एग्जांपल, लेट अस सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 7। स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड जंप टू 7। यहाँ पर देखिए स्टार्ट किससे करना है हमें, कहाँ से करना है, 0 से, और कहाँ पर जंप लगानी है 7 पर। नाउ काउंट बैकवर्ड एंड जंप 3 प्लेस, फिर वहाँ से बैकवर्ड में आना है और 3 जंप लगानी है। यू लैंड ऑन 4, हमने कहाँ लैंड किया 4 पर, द आंसर इज 4। इसी तरह से यहाँ पर अब देखिए सब्ट्रैक्ट बाय यूजिंग द नंबर लाइन 4 - 1, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है 0 से, और कहाँ पर जंप लगानी है 4 पर। तो हमने यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया और 4 पर जंप लगाई। अब बैकवर्ड कितना चलना है, -1, यानी कि इसमें से माइनस हमें 1 करना है। 4 - 1 मीन्स -1 होना चाहिए, तो बैकवर्ड जाएंगे, तो हमने इसमें से 1 माइनस किया, मीन्स हम 1 जंप हमने बैकवर्ड लगाई, पीछे की तरफ लगाई। तो कहाँ पर आए हमने, कहाँ लैंड किया 3 पर, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा हमें 3। इसी तरह से देखिए 0 से स्टार्ट करके कहाँ पर पहुँचेंगे हम, जंप करते हुए 5 पर, ये लगाई हमने 5 पर जंप। माइनस करना है 3, मीन्स बैकवर्ड चलना है। नाउ काउंट बैकवर्ड्स एंड जंप 3, 3 के प्लेस पर जाए, तो देखिए यहाँ से हम काउंट करेंगे, तो हमने जंप लगाई 1 2 3 स्टेप चलकर, 1 2 3 स्टेप चली हमने और ये जंप लगाई, तो हमें कितना मिला 2, तो हमारा आंसर आया 2। इसी तरह से आप नेक्स्ट भी फील करेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 48 पर है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्टिंग 0, 7 काइट्स 0 काइट्स, 7 में से 0 माइनस करना है तो हमें कितना मिलेगा 7 काइट्स। 5 रैबिट्स 0 रैबिट्स, तो 5 रैबिट्स मिलेंगे। सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर, जो नंबर हमारे पास है उसी नंबर को हम उसमें से माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 0। जैसे 5 jux - 5 jux = 0। When a number is subtracted from itself, the answer is always 0, है ना। Subtracting 5 dolls, यहाँ पर total 5 dolls है, हमने इसमें से 1 doll माइनस की तो कितने बची 4 dolls। इसी तरह से 7 beds है, -1 हुआ तो 6 beds। Means when we subtract 1 from any number, हम किसी भी numbers में से 1 माइनस करते हैं तो द आंसर इज ए नंबर जस्ट बिफोर द गिवन नंबर, तो उसके पहले जो डिजिट आती है, नंबर आता है, वही हमें मिलेगा। आप देख भी रहे हैं
फाइव माइनस वन तो हमें मिला फोर, हमें पता है फाइव से पहले फोर आता है। इसी तरह से सेवन माइनस वन तो कितना आया सिक्स, तो हमें पता है व्हाट कम्स सेवन, व्हाट कम्स बिफोर सेवन, सिक्स, तो हमारा आंसर आया सिक्स। नेक्स्ट पेज नंबर पर है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिजिट नंबर्स विथ रीग्रुपिंग। आपको यहाँ स्टेप्स बता रखी है, आप इसे रीड करेंगे और एक्सप्लेनिंग करेंगे, है ना, खुद समझ सकते हैं। मैं आपको अदर नेक्स्ट पेज नंबर पर बताती हूँ। सब्ट्रैक्शन ऑफ वन डिजिट नंबर्स बाय क्रॉसिंग आउट लाइन्स। यहाँ पर आपको सेवन माइनस थ्री करना है। यहाँ पर देखिए उन्होंने कितनी लाइन्स ड्रॉ की, सेवन, क्योंकि यहाँ पर सेवन है, उसमें से हमें कितने कट करने, थ्री, तो ड्रा आउट ही थ्री लाइन्स, उसमें से उनने थ्री कट कर दी, तो आंसर आया फोर। इसी तरह से हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। मैंने यहाँ पर कॉपी में कर लिया है, देखिए थ्री है, तो हमने ड्रॉ लाइन की यहाँ पर थ्री, वन टू थ्री, थ्री लाइन्स ड्रॉ की, उसमें से हमें कितनी ड्रॉ आउट करनी है, टू, तो हमने टू कट की तो हमें मिला वन। इसी तरह से फोर, वन टू थ्री फोर, ड्रॉ आउट करनी है थ्री, तो ये की हमारा आंसर आया वन। तो आप यहाँ भी इसी तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं लाइन, वन टू थ्री, ड्रॉ आउट की टू, तो हमें आंसर मिला वन। इसी तरह इसको करेंगे, वन टू थ्री फोर, ड्रॉ आउट थ्री लाइन्स, काउंटिंग रिमेनिंग लाइन्स वन, राइट हीयर वन। इसी तरह वन टू थ्री फोर फाइव, माइनस हुए टू, तो हमारा आंसर आया थ्री। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ड्रॉ आउट टू, वन टू थ्री फोर, राइट हीयर फोर। आप इसी तरह से चाहें तो कॉपी में भी इसको कर सकते हैं और बुक में भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, गुड डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।